क्या आप जानते हैं कि नारियल को श्रीफल क्यों कहा जाता है? भगवान के प्रसाद के रूप में नारियल को ही क्यों सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? यदि नहीं जानते तो आज हम इन्हीं बात पर चर्चा करेंगे। मंदिर में देवी देवताओं के सामने नारियल चढ़ाने के पीछे बलिदान की प्रथा रही है। प्राचीन काल में आदिमानव द्वारा देवी देवताओं की उपासना के लिए मनुष्य या तो पशु की बलि चढ़ाने की बहुत ही बुरी प्रथा प्रचलित थी। बलिदान की ऐसी प्रथा को दूर करने के लिए हमारे ऋषियों ने विश्वामित्र द्वारा निर्मित किए गए प्रतिसृष्टि के नर यानी नारियल का बलिदान चढ़ाने की सलाह दी, क्योंकि नारियल को भी धड़, चोटी, नाक और दो आँखें होती है। नारियल के ऊपर का आधा हिस्सा मंदिर में चढ़ाया जाता है और नीचे का आधा हिस्सा प्रसाद के रूप में लिया जाता है। देवी देवताओं की मूर्ति पर सिंदूर लगा के नारियल के पानी को चढ़ाया जाता है, जिससे रक्त यानी खून जैसा लाल रंग देखने को मिलता है। इस प्रकार हमारे ऋषियों ने नर हत्या और पशु हत्या का पाप करने से बचाया। कोई भी शुभ कार्य बलिदान दिए बिना सफल नहीं होता। इसी बात की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में श्रीफल की आवश्यकता को स्वीकारा गया है। बाहर से कठोर परंतु अंदर से अति कोमल ऐसा श्रीफल महापुरुषों की महानता समझाने वाला प्रतीक है। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।